और इंडिया के अंदर जो प्रो गवर्नमेंट मुआशी माहरीन हैं, जो कि इर्द गिर्द के मुल्कों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करके इंडिया की परफॉर्मेंस को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, वो इस चीज़ को जवाब बना के फिर बांग्लादेश की डेटा पर सवाल उठा रहे होते हैं कि ये डेटा जो आ रहा होता है वो शायद सही नहीं है, कि लॉकडाउन में अगर दूसरी जो रेमिटेंसेज हैं वो गिरनी चाहिए थी दूसरे मुल्कों की तरह, लेकिन उल्टा यहाँ पर 18% बढ़ गई हैं। 18% बड़ा नंबर होता है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये कोई 5-6% की बात नहीं है, 18% बढ़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम सुमन, आप देख रहे हैं। जी आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, जो कि इंडिया के लिए एक नाइट मेयर बन चुकी है, एक डरावना ख्वाब बन गई है। और इंडिया अब बांग्लादेश को लेके, बांग्लादेश जो कि उनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखता था, आज वो इनसिक्योर फील करने लगे हैं बांग्लादेश की प्रेजेंस की वजह से। और अब उनको जो इनसिक्योरिटी हो रही है वो ये है कि अगर बांग्लादेश की दोस्ती हमारे साथ बिल्कुल खत्म हो जाती है तो हम तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। लाइक कोई भी अभी इस रीजन में, साउथ एशिया का जो रीजन है, इस रीजन में कोई भी इंडिया के साथ दोस्ती रखने को तैयार नहीं है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, ठीक है, भूटान, श्रीलंका, सो सब ने इंडिया से बैक ऑफ कर लिया है। सो अब अकेला बांग्लादेश रह गया है, जो कि थोड़े से इंडिया के साथ उन्होंने थोड़े से न्यूट्रल रिलेशंस रखे हुए हैं, लेकिन उनका अभी वो कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। उसी को लेके इंडिया जो है बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ हुआ है। और लेट्स सी क्या करता है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है जो कि मैंने पिक की है, वो इस पर पूरा पूरा एनालिसिस दे रहे हैं, काफी अच्छा एनालिसिस है, आप देख के, आपको देख के वाकई में पसंद आएगा। सो आप लोगों ने वीडियो में सब पूरी देखनी है, तो इससे पहले की वीडियो देखें, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलिट्री एतबार से इंडिया को बांग्लादेश पे एक एज हासिल है, लेकिन इकोनॉमी के महाज पे बांग्लादेश हालिया सालों में काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है, ख़ासतौर पर वहाँ जब से इंडिया को चीन ने रिप्लेस किया हुआ है बांग्लादेश के अंदर एज अ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ये वो साल हैं जब बांग्लादेश ने कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर इंडिया को भी पीछे छोड़ना शुरू किया हुआ है। पहले होता यह था कि इंडिया बांग्लादेश का टॉप का ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था और बांग्लादेश फिर नतीजतन इंडिया के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता था बड़ी हद तक, लेकिन इक्वेशन में चाइना फैक्टर आने से बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक नई जान, एक नया रूह उसमें पड़ गया। जब से इंडिया वहाँ चीन से रिप्लेस हो गया है, वहाँ की इकोनॉमी में भी एक नई डायरेक्शन नज़र आई है। अब कई आलमी जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, ब्लूमबर्ग टाइप, यहाँ पर तो बांग्लादेश की इकोनॉमी की ग्रोथ के हवाले से और उसके इस तरह इंडिया को कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर पीछे छोड़ने के हवाले से जो स्पेशल स्टोरीज हैं ये छपती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया के अंदर खुद, इंडिया बताते खुद जो है इस चीज़ को कैसे रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ का मीडिया इस पर क्या कह रहा है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकला हुआ है, तो उस पर उनका मीडिया क्या कह रहा है, और ख़ास तौर पर उस सिनारियों में जबकि इंडिया के ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी एक हद से आगे ना बढ़े और वो इंडिया पे ही डिपेंडेंट रहे इकोनॉमी और ट्रेड के हवाले से, क्योंकि ये इंडिया को फिर एक एडिशनल कुव्वत फराम करता है बांग्लादेश के ऊपर अपना असर बरकरार रखने के लिए, फाइनेंशियल असर बरकरार रखने के लिए, तो फिर ये इनको डिप्लोमेट बेसिस में भी हेल्प कर रहा होता है इंडिया को। अगर उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहता है बांग्लादेश तो डिप्लोमेटिक इसका फिर असर भी बांग्लादेश के ऊपर पड़ रहा होता है इंडिया बांग्लादेश टाइज में। तो बांग्लादेश की एक हद से ज़्यादा ग्रोथ इंडिया के अंदर कोई अच्छे इंडिकेटर के रूप में नहीं देखी जाती, ये बात नोट करें, ख़ासतौर पर तब जब बांग्लादेश उल्टा इंडिया को ही पीछे छोड़ रहा हो, तो फिर इसमें ज़्यादा एक खतरे की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। जनरली वैसे इंडियन मीडिया के अंदर, या जिसे आप सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, इसके अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं ये आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी, जनरली इस पर ज़्यादा कवरेज नहीं होती। हाँ, किसी कोने में कोई छोटी सी खबर लगी हुई होगी किसी इंडियन न्यूज़ आउटलेट में, जो गोदी मीडिया का न्यूज़ आउटलेट, या फिर ऐसे ही बाय द वे कोई एंकर कह देगा कि भाई बांग्लादेश जो है वो इंडिया से आगे चढ़, मतलब इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा इस पर जो है ना वो लंबे लंबे प्रोग्राम्स नहीं होते इंडिया के अंदर, जनरली ये एक माइंड सेट है।
और ये आपको नज़र नहीं आएगी, इस पर ज़्यादा कवरेज नहीं आएगी। हाँ, अगर इंडिया किसी सेक्टर में इर्द गिर्द के मुल्कों से आगे हो जाता है ना, तो इसको फिर बड़े भरपूर नमूने से प्रमोट किया जाता है। ये एक पैटर्न है वहाँ पर, मतलब कोई इर्द गिर्द का मुल्क अगर किसी इकोनॉमिक इंडिकेटर में आगे चला जाता है इंडिया से, तो वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते उसको। लेकिन इंडिया अगर किसी इकोनॉमिक इंडिकेटर में आगे चला जाता है ना, तो फिर बस वो नेक्स्ट सुपर पावर बन जाता है मीडिया के अंदर, तो अगले बस हम ही हैं अमरीका के बाद। वहाँ पर फिर इस किस्म की एक कवरेज हो रही होती है, यानी कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। ये जो गोदी मीडिया की पॉलिसी रही है ना, कि इर्द गिर्द के मुल्कों की अच्छी चीज़ों को, उनकी अचीवमेंट्स को नहीं दिखाना, ज़्यादा नहीं दिखाना हमने, और इंडियन पब्लिक को इन बातों से जो है ना वो परे रखना है। हाँ, बुरी बातें जो होंगी ना इन मुल्कों की, इर्द गिर्द के मुल्कों की, उनको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उनको ज़्यादा उछालेंगे। तो इसी के लिए हिंदी में ये मुहावरा यूज़ होता है, ये एडियम यूज़ होता है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 1975 में उस वक्त के अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसंजर साहब, जिनका एक बड़ा ही शोहरा आफाक वर्ल्ड फेमस बुक भी, एक बड़ा ज़बरदस्त मशहूर है, उसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर, वो ज़रूर पढ़िएगा, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। बड़ा अच्छा बुक है उनका ये, और बड़ा सोचने पे मजबूर करता है, कई बातें इसके अंदर बड़ी ही गहरी उन्होंने की हुई हैं। बहरहाल, इस बंदे हेनरी किसिंजर ने 1975 में बांग्लादेश को बास्केट केस कहकर मुखातिब किया था, और फिर ये जो वर्ड था बास्केट केस, ये बांग्लादेश के साथ चिपका रहा अगले कई डेकेड्स तक। लेकिन अब 50 साल के बाद पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश की जो है वो इंडिया से आगे पहुंच गई है, तो वो जो बास्केट केस वाली छाप थी बांग्लादेश के ऊपर, वो छाप उतर गई है। इस पे इंडिया के अंदर जो सरकारी भर्ती किए गए इकोनॉमिक एक्सपर्ट है ना, माशी माहरीन, जब वो बांग्लादेश की ये जो सारी ग्रोथ देखते हैं, तो फिर वो डेटा पे सवाल उठाते हैं, डेटा के लिए कहते रहते हैं कि ये डेटा जो है वो सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं वो जो कि सवाल उठाते हैं कि ये डेटा बांग्लादेश की सही नहीं है। अब किन किन इंडिकेटर्स पर वो सवालात उठाते हैं डेटा पे, इस पे तो हम बात करते हैं, लेकिन आई थिंक ये है गैर ज़रूरी एतराज़ वैसे उनका, क्योंकि देखें ना, ये सिर्फ बांग्लादेश की डेटा की बात नहीं है, आलमी इदारों की जानब से भी जो डेटा रिलीज़ की जा रही है वो बांग्लादेश की सरकारी डेटा से मैच कर रही होती है ज़्यादातर। लेकिन एक फैक्टर अलबत्त ऐसा है जो कि हकीकता सरप्राइजिंग है, और वो ये है कि 2020 में कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया, यानी एक देखें कि लॉकडाउन में थी, और बाहर के मुल्कों में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनकी रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कम रिकॉर्ड हुई, पूरी दुनिया में, लेकिन बांग्लादेश के अंदर 2020 में बाहर से आने वाले पैसों में 18% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई थी। मतलब पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन था, बिजनेसेस ठप थे, पूरी दुनिया में लो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हो रही थी, बाहर से पैसे उन मुल्कों में कम आ रहे थे, तो ये कैसे हुआ है बांग्लादेश में कि 18% ज़्यादा पैसे भेजे गए उन सालों के दौरान। अब इस पे कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन सरकारी सतह पर तो है नहीं, लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइज था, जाहिर सी बात है। और इंडिया के अंदर जो प्रो गवर्नमेंट मुआशी माहरीन है, जो कि इर्द गिर्द के मुल्कों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करके इंडिया की परफॉर्मेंस को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, वो इस चीज़ को जवाज़ बना के फिर बांग्लादेश की डेटा पर सवालात उठा रहे होते हैं कि ये डेटा जो आ रहा होता है वो शायद सही नहीं है, कि लॉकडाउन में अगर दूसरी जो रेमिटेंसेज हैं वो गिरनी चाहिए थी दूसरे मुल्कों की तरह, लेकिन उल्टा यहाँ पर 18% बढ़ गई हैं। 18% बड़ा नंबर होता है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये कोई 5-6% की बात नहीं है, 18% बढ़ गई हैं। लेकिन इस चीज़ को आई थिंक जवाब वैसे बनाया नहीं जा सकता, बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर जो एक बढ़तरी हुई है जीडीपी पर कैपिटा में, उसको इससे डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। और दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में भी तो बांग्लादेश आगे है ना, ये भी तो सोचे ना आप, सिर्फ ये एक बात नहीं है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस हो रहा है, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि कोविड के क्राइसिस में और लॉकडाउन के दौरान बांग्लादेश के बाहर रहने वाले वर्कर्स ने हालात को देखते हुए शायद अपनी सेविंग्स जो हैं ये बांग्लादेश भेजी हुई हैं, जो कि उन्होंने बचाए हुए इतने इतने सालों में पैसे बाहर के मुल्कों में, उन्होंने जो सेविंग्स रखी हुई थी अपनी, ये इन्होंने भेजना शुरू किए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए परहैप्स ये जो रेमिटेंसेस वाली फिगर ऊपर गई है ना 18% 2020 में, ये शायद इसीलिए गई है, अनएक्सपेक्टेडली ये ऊपर गई है, तो इसकी वजह शायद यही हो सकती है। लॉकडाउन और टफ हालात को देखते हुए लोगों ने अपनी फैमिलीज के लिए वहाँ अपनी सेविंग्स में से पैसे वहाँ पर भेजे हैं मुल्क के अंदर, तो वो जो अनऑफिशियल रिजर्व थे ना एक तरह के, वो इक्वेशन में आ गए हैं लास्ट ईयर के रेमिटेंसेज की फिगर में, इसीलिए 18% ऊपर गई है बांग्लादेश की रेमिटेंसेज।
लेकिन बहरहाल इंडियन माहरीन इसको एक्सेप्ट कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक माकूल रीज़न है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जो रिज़र्व थे, सेविंग थी लोगों की, लोगों ने वो भेजी है मुल्कों के अंदर, इसीलिए शायद ये फिगर बढ़ गई है। दूसरा, इंडिया के अंदर ये ख्याल है कि ये जो BRI के मद में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई है ना बांग्लादेश के अंदर, अरबों डॉलर्स आए, इससे भी बड़ा असर पड़ा हुआ है। ये जो इंडिया को बांग्लादेश ने बीट किया है, इसमें BRI के पैसे का भी बड़ा असर है, ये चाइनीज़ BRI है। और वो कह रहे हैं कि ये असर कई साल रहेगा बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कई साल इंडिया के ऊपर रहेगी, काफ़ी इंडिकेटर्स में बांग्लादेश ऊपर रहेगा कई साल तक, इंडिया के अंदर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है। और यानी इसका मतलब ये कि ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है, इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में ये जो बांग्लादेश की ग्रोथ है ये आर्टिफिशियल सी है, जब वहाँ से इन्वेस्टमेंट आना रुकेगी तो ये जो नंबर्स हैं ये भी खुद ब खुद नीचे जाना शुरू होंगे। वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो फिगर्स ऊपर गए ना, ये BRI का इसमें बड़ा एक असर है। और एक और बात आपको बता दें कि भले ही इंडिया के अंदर 2020 की जो बांग्लादेश की रेमिटेंसेस की फिगर हैं, इस पर सवाल उठाए जा रहे हो कि ये घटने की बजाय बड़ी क्यों है, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही तो नहीं था ऐसा मुल्क अकेला जिसकी रेमिटेंसेस लॉकडाउन के दिनों में बढ़ के और ऊपर गई, अकेला बांग्लादेश तो नहीं था, मसलन इसमें पाकिस्तान भी तो था, पाकिस्तान की भी तो रेमिटेंसेस बढ़ी थी 2020 में, मिस्र की बढ़ी थी, इजिप्ट की, नाइजीरिया की बढ़ी थी, मेक्सिको की बढ़ी थी, बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी बढ़ी थी, तो बांग्लादेश इकलौता ऐसा मुल्क नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था दुनिया में कि जहाँ पर कोविड के दिनों में ज़्यादा पैसे भेजे गए मुल्क के अंदर और उस पर इंडियन जो मुआशी माहरीन हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा हुआ है। भाई बहुत सारे मुल्कों में हुआ है, तो क्या वो सब जो है गलत डेटा दे रहे हैं दुनिया को? लिहाजा इंडिया के जो मुआशी पंडित हैं ना, इनकी ये जो थ्योरीज है ना कि ये फिगर्स ऊपर क्यों गई, ये कोई ज़्यादा वजन रखती नहीं है। यार आई लव देयर एनालिसिस, और के जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो बांग्लादेश की जो ग्रोथ है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनका कहना है कि ये आर्टिफिशियल जो हो रही है ना ग्रोथ वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, मतलब ये कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, थोड़ी देर बाद जो है ये फिगर्स नीचे आने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए इसको बूस्ट मिला हुआ, तो वो किसी तौर भी बांग्लादेश की जो कोई भी किसी टाइप की भी ग्रोथ है उसकी फिगर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये बांग्लादेश के जो फिगर्स बताए जा रहे हैं ये गलत हैं, ठीक है। और रेमिटेंसेस की बात करें जो कि 2020 में काफी इंक्रीज हुई, सो जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भी इंक्रीज हुई, मिस्र की भी और काफी अदर कंट्रीज की भी इंक्रीज हुई, तो जी उन कंट्रीज ने गलत नहीं ना बताना, ठीक है, मतलब इतनी सारी कंट्रीज की इंक्रीज हुए हैं तो बांग्लादेश के क्यों गलत बताए जाने हैं, ठीक है। तो खैर ये एक सही उन्होंने बात की कि क्योंकि क्या कहते हैं कोविड की सिचुएशन काफी टफ जा रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में जो बांग्लादेशी जो फॉरनर्स हैं फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उन्होंने अपनी जो सेविंग्स है वो बांग्लादेश में भेज दी है, तो ऐसा होना पॉसिबल है, तो इतनी ये कोई अनोखी बात नहीं है कि जो हुई है। और इसके अलावा GDP और बाकी चीजों को देखें तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया के लिए कि बांग्लादेश जो है वाकई में आगे बढ़ गया है और इंडिया को पीछे छोड़ दिया। सो बेसिकली जैसे इन्होंने बोला ना कि हिंदी का एक मुहावरा है मीठा मीठा हप हप एंड कड़वा कड़वा थू थू, सो बिल्कुल वही हिसाब है इंडिया का, कोई अच्छी बात भी हो ना तो वो उनसे एक्सेप्ट नहीं होती और वो उसको एक्सेप्ट ना करने के ना एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि ये इसमें ये हो सकता है इसमें ये हो सकता है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं होता, बिल्कुल नॉन लॉजिकल बातें करते हैं, ठीक है। सो अमेजिंग वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। लालू आप लोगों ने मेरी वीडियो को बना है लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके और पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, सो जल्दी से जाएं और मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। अभी सी यू, टेक केयर, लाफिज, बाय।